अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। पहले तो ये नोट करिए कि वाई अर्थ इज कंसिडर्ड टू हैव ए मैग्नेट या व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थ मैग्नेटिज्म। द आंसर इज एनी मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड ऑन द अर्थ, एनी मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड ऑन द अर्थ in a particular direction. Any magnetic needle suspended on the earth stay in a particular direction full stop. This can happen only if there is a magnetic field. And here the magnetic field is, has a cause in earth. Magnetic field ka reason kya? It has a cause in earth. Therefore, earth is cause of a magnetism. Earth is cause of a magnetism around it. Okay, तो पहले हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं और फिर उसके क्या क्या रीजन हैं और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म हमको कैसे दिखता है? तो अर्थ की शेप, अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व होती है, स्पिन होती है, ओके डायरेक्शन में है। अगर इस एक्सिस के अराउंड अर्थ स्पिन होती है तो एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? ओके, थोड़ा सा ज्योग्राफी का ध्यान दीजिए। इस एक्सिस की रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं। इधर से सन रेज आती हैं, अर्थ ऐसे घूमती है और सनराइज होता है, इसलिए हमने इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा हुआ है? ईस्ट। इसका नाम वेस्ट। तो ये क्या है? नॉर्थ। साउथ। तो ये जो एक्सिस है इसकी डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ साउथ। सो अर्थ स्पिन अराउंड ए नॉर्थ साउथ एक्सिस, एंड एक्सिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहां पर एक पॉइंट है अर्थ पर, ये पूरे एक दिन में ऐसे मूव करता है और ऐसा सर्कल बनाता है। ये जो लेंथ है ये इसका सर्कमफ्रेंस है। यहां वाला पॉइंट कितनी दूर जाएगा और यहां से घूमते ऐसे आएगा, ये इसकी सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, ये छोटी हो गई, ये रेडियस छोटा हो गया इसलिए सर्कमफ्रेंस छोटा हो गया। ये वाले पॉइंट का सर्कमफ्रेंस कितना होगा और छोटा होगा? अब इस पॉइंट का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? जीरो। उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? जीरो। तो अर्थ की सरफेस पर ऐसा पॉइंट जिसका घूमने का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जीरो, दैट मीन्स इट डज नॉट स्पिन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कोई सर्कल नहीं बनाता, ये वाला पॉइंट कहलाता है पोल। और इससे हमको रोटेशनल मोशन से पता चल रहा है कि इधर भी क्या होगा? एक और पोल होगा। और डायरेक्शन से हमने इनके नाम रख दिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। So,
north pole, south pole, and this is axis, and it rotates like this. ये north pole, south pole की definition. अब हमने एक magnet को लटकाया, वो magnet को देखा, हमने किधर दिखाता है, north की तरफ. तो हम अर्थ का north pole देखने के लिए उस magnet के साथ साथ चलते हैं. जब हम मैग्नेट के साथ साथ चलते हैं तो मैग्नेट हमको ऐसे लीड करके ले जाता है, जाते 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 मैग्नेट ऐसा छुपकर भी जाता है, ये कि नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है. जाते हुए जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर नहीं पहुंचे, हम यहां पहुंचते इस पॉइंट. इसी तरह से जब हम साउथ पे जाते हैं तो यहां पहुंचते हैं. ये तो नॉर्थ से साउथ हमने एक एक्सिस बना ली, ये किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ को या साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है, दूसरे मैग्नेट का कौन अट्रैक्ट करता है. तो हमेशा ये किधर दिखाएगा, एक कोण की तरफ. उसका डायरेक्शन का नाम हमने क्या रखा है, नॉर्थ, क्योंकि वो किससे मिलता है, इस नॉर्थ पोल से, उसकी तरफ है. लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो ये ऐसे गया, यहां से अर्थ के ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एक जगह जाकर हम देखते हैं कि ये ऐसा हो गया, सुई बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है. जहां पर वर्टिकल हो गई और उसकी नोक नीचे की तरफ है, तो इसका क्या मीनिंग है कि उस लोकेशन पर अर्थ का पोल ग्राउंड के अंदर है. नॉर्थ पोल के लिए हमको इधर 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 कहीं नहीं जाना है, यहीं पर नॉर्थ पोल है. दैट इज दी इंडिकेटेड बाय वर्टिकल डायरेक्शन. समझ आया? हॉरिजॉन्टल क्या शो करती है, इधर आगे जाइए. वर्टिकल क्या शो करेगी, नीचे. इस तरह से ये वर्टिकल लोकेशन हमको मिलती है यहां पर नॉर्थ पोल की. अब हम पहले से यहां पर एक नॉर्थ पोल मान चुके हैं, तो फिर ये दूसरा नॉर्थ पोल, तो क्या अर्थ में दो नॉर्थ पोल होते हैं? तो आंसर है यस, दो नॉर्थ पोल होते हैं. एक नॉर्थ पोल वो होता है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है और जिसकी एक्सिस पे, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है और जिसके कारण ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होती है, जिसके कारण सनराइज और सनसेट होता है. ये जो नॉर्थ साउथ होता है इसको हम कहते हैं, इसके साथ हमने शब्द लगा दिया ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ. ये वाले नॉर्थ का एड्रेस हमको किसने दिया, इसका पता हमको एक मैग्नेट ने दिया, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ. तो मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ की एक डायरेक्शन होती है और ज्योग्राफिक नॉर्थ एक और डायरेक्शन होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ये डिफरेंस करीब करीब 11.3 डिग्री है, 11.3 डिग्री. ओके, ये जो नॉर्थ पोल है इसका एल्टीट्यूड लैटिट्यूड कितना होता है, देखिए लैटिट्यूड, ये वाली लाइन को आप क्या कहते हैं, इक्वेटर. ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस पर राइट एंगल बनाता है. यहां से हमने इसको अर्थ को ऐसा काटा, ये उसका सेंटर है अर्थ का, इस सेंटर से ये जो भी एंगल बनेगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये लैटिट्यूड कहलाएगा. ओके, तो इसके कारण जब ये ऐसा एंगल बदलते जाएगा तो यहां पर ये पहुंच के कितना हो जाएगा एंगल, 90. इसी तरह से यहां पर हमने ऐसी लाइनें बनाई हुई हैं, ये लाइन बनी हुई है एक एक डिग्री पर,
सॉरी ये वाली तो ये लाइन है लैटिट्यूड, और ये वाली यहां पर हमने ऐसी लाइनें बनाई इस तरह से, यहां से अगर आप अर्थ में ऐसा घूमेंगे 180 डिग्री घूमेंगे पीछे जाएगा, और अगर इधर वेस्ट में आके 180 डिग्री घूमेंगे तो भी पीछे जाएंगे। तो ये जो है खड़ी लाइनें अल्टीट्यूड ये कितने होते हैं 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, लैटिट्यूड 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, 90 डिग्री टुवर्ड्स साउथ। ये हमने ज्योग्राफी से बनाया, ज्योग्राफी से। अब जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमको मिलता है, इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का एड्रेस लिखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ पोल इज 79.74 डिग्री नॉर्थ, 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड ये इसका लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड 71.8 वेस्ट। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद
अगर अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कर सकते हैं। अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक किसी भी लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अर्थ ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमको एक पिक्चर देंगी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो लाइनें बनती हैं उसे देखिए, वो इस तरह की होगी। यहां पर इसका नॉर्थ पोल है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, कि हमने जिस मैग्नेट को इमेजिन किया उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां। तो लाइंस कहां से कहां जाएंगी? अर्थ के बाहर नॉर्थ से साउथ और अर्थ के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो यहां से लाइन हमने ली और ये लाइन यहां से चली इस तरह से, ये
और ये लाइंस सब कंप्लीट लाइंस रहेंगे, ब्रेक नहीं होगा बिकॉज दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। इसमें ये अर्थ की सरफेस है, इस तरह से चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमको ये पता चलता है कि इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। इसकी प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास दो चीजें होती हैं, एक उसकी स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी और दूसरा उसकी डायरेक्शन, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन भी होती है और उसके पास स्ट्रेंथ भी होती है। तो हम इसमें स्टडी करेंगे उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए दो चीजें इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन, कोई एक लाइन में डायरेक्शन नहीं है। इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी भी लोकेशन पर हमको तीन तरह के एलिमेंट पता होने चाहिए, सिर्फ दो तरह के नहीं। क्यों? एक तो इसकी स्ट्रेंथ है और बाकी दो इसकी डायरेक्शन। एक डायरेक्शन हमको ये बताती है कि यहां पर इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से कितना हटा हुआ है। हर जगह पर 11 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, 11 डिग्री एक्सिस टू एक्सिस था, पर अर्थ में चारों तरफ जितनी लोकेशंस हैं, जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर अर्थ के एक्सिस की डायरेक्शन अलग और मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन अलग होती है। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है उस एंगल का हमने एक नाम रखा, एंड दैट इज वन इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, नोट करिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। डेक्लिनेशन में लिखिए डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ, एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज angle between, is angle between the magnetic meridian, is angle between the magnetic meridian and geographic meridian at that point, at that point। अब इसमें आप समझना चाहेंगे कि ये मेरिडियन क्या होता है।
अभी तक आप लोग मेरिडियन के बारे में क्या जानते हैं? ये होटल चेक का नाम है होटल मेरिडियन। ओके, देखिए मेरिडियन एक प्लेन है, प्लेन को मेरिडियन कहते हैं। दो प्लेन के बीच एंगल कैसे बनता है? दो प्लेन के बीच एंगल, तो दो प्लेन के बीच एंगल इस तरह से बनता है। ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन, इन दोनों के बीच एंगल बनता है। दो प्लेन हमको लेना है, मान लीजिए इस लोकेशन पर हमने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन निकालना है, तो यहां से हम अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। अर्थ का क्रॉस सेक्शन किस तरह से लेना है, इसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल है क्रॉस सेक्शन लेने की, उसको समझिए। हमारे पास ये मान लीजिए एक तरबूज है, इस तरबूज पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका शहर है, यहां से आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है। उस तरबूज को अगर हम यहां से काटने को बोलेंगे तो आप इसको कैसे काट सकते हैं? ऐसा काट सकते हैं, ऐसा भी काट सकते हैं। हम बोलेंगे कि इस तरह से काटिए कि उसका सेंटर और उसके दोनों पोल उस प्लेन में आने चाहिए, तो आप उसको एक ही तरह से काट सकते हैं और ज्यादा तरह से नहीं काट सकते। ऐसा काटेंगे तो इसका जो प्लेन दिखेगा इसमें ये पोल तो नहीं आएगा, तो हमको ऐसा काटना पड़ेगा। जब आप ऐसा काटते हैं तो ये वाली सरफेस, ये पॉइंट और सेंटर तीनों उस प्लेन में आ जाएंगे, वो वाला प्लेन है मेरिडियन। तो मेरिडियन में कौन कौन जाएगा? दोनों पोल और सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमने इस पॉइंट से काटा, वो मेरिडियन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन में दोनों ज्योग्राफिक पोल और सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद फिर से हमने काटा, दूसरी बार जब काटा तो उस प्लेन में कौन आएगा? मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए ऐसा काटा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए ऐसा काटा। ये दोनों प्लेन है, ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला, यस, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच में ऐसा एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला है, यहां से हमने दोनों को काटा है तो इस तरह से दोनों कटेंगे, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन पूरा इधर तक और ये वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, इस एंगल को हम कहेंगे डेक्लिनेशन। ओके, तो इसको आप लिख चुके डेक्लिनेशन। ये डेक्लिनेशन एंगल हर जगह पर आपको 11.3 डिग्री नहीं मिलेगा, ये डेक्लिनेशन एंगल जगह जगह पर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वो वाला पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है कि उसके इस तरफ है, किधर से कट करने से कैसा एंगल आता है। एग्जांपल लिखिए, द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट दिल्ली, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट दिल्ली इज
इसलिए शांत रहिए। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। जब मैं इधर से इसको देखता हूं तो एक लाइन ऐसे जाएगी, एक मेरिडियन और एक मेरिडियन ऐसे जाएगा, इसके बीच में एंगल बना 5 डिग्री। कितना? 5 डिग्री। अगर मेरा शहर यहां नहीं है, मेरा शहर अर्थ में यहां। अब देखिए ये लाइन किसकी है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। और ये लाइन किसकी है? मैग्नेटिक नॉर्थ। पर ये दोनों एक ही लाइन है। अब बोलो कितना एंगल बना दोनों प्लेन के बीच में? 0। ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग अलग पॉइंट पे हमको अलग अलग मिलेगी। समझ आया? तो बॉम्बे में हमको कैसा मिलता है? 0.0 से थोड़ा सा ज्यादा। कितना? 0.58। किस तरफ? वेस्ट, यानी कि यहां बॉम्बे। बॉम्बे में ये इसका मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, थोड़ा सा ऐसा। कितना वेस्ट की तरफ गया? और दिल्ली इधर है। दिल्ली से जब हम देखते हैं तो इधर क्या दिखा हमको? ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक के लिए किधर जाना पड़ा? किधर? ईस्ट। कितना? 0.2। समझ आया? इसलिए अलग अलग पॉइंट पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। और इधर से देखेंगे तो वैल्यू हमको लार्जेस्ट मिलेगी। इस तरफ से देखेंगे यानी ये जाएगा मलेशिया के, और आगे जाएंगे तो ये हम अर्थ के इधर पहुंच जाएंगे। यहां से एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वो बड़ा बड़ा दिखेगा ऐसे। जब यहां से देखेंगे तो हमको 0 दिखेगा। तो इंडिया में वो लोकेशन है जहां पर 0। इधर आएंगे तो फिर हमको दिखेगा। ये है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को नॉर्मली हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, एंगल ऑफ डेप्थ। एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डेप्थ क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये अगर एक लाइन है तो ये लाइन क्या दिखाती है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस लोकेशन पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो आंसर है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट। यहां पर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहां पर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे मिलती है? टेंजेंट ऑन द लाइन। अच्छा, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ की नॉर्मल डायरेक्शन हम कौन सी मानते हैं? हॉरिजॉन्टल। कोई पहाड़ हो वो अलग बात है, अदरवाइज डायरेक्शन उसकी क्या मानी जाती है? हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनके बीच में एक एंगल बनता है। ये एंगल है एंगल ऑफ डिप। इसको एंगल ऑफ डिप क्यों बोलते हैं? यहां पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो हमारी मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल में खड़ी नहीं होती। कैसी खड़ी होती है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ये हॉरिजॉन्टल में हमने मैग्नेटिक नीडल रखी और इसका ये वाला किनारा नीचे चला गया ऐसे। नीचे जाना क्या कहलाता है? डिप होना। इसलिए इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। समझ में आया? सो एंगल ऑफ डिप इज, नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
direction of magnetic field and horizontal direction. And horizontal direction. It is measured with a device called, it is measured with an instrument called dip circle. Okay, dip circle क्या होता है? It is a circle which has got a scale 0 degree 90. It has got a frame, and in this frame there is a magnetic needle which is free to rotate in vertical direction. ये वाला object जो मेरे हाथ में है, it is free to rotate in which plane? Horizontal plane. क्यों? क्योंकि मैंने इसकी एक्सिस ऐसे पकड़ी हुई है, पाइवट इधर दिए हुए हैं. अगर मैं इसके पाइवट इधर और इधर दे दूं, ये अब ये ऐसा घूम सकता है, ऐसा नहीं घूम सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं घूम सकता, ऐसा घूम सकता. और ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन. तो हमारी इच्छा है कि हम उसका एक्सिस कैसा बनाएं और उसको कैसा घूमना अलाउ करें. तो हमने यहां पर जो नीडल लगाई उसकी एक्सिस हमने ऐसी बनाई, ये ऐसे पाइवट रखे, तो ये कैसी घूम सकती है? वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है और ऐसा डिप बना सकती. अगर हम ऐसा बना देते नीडल को तो ये ऐसा घूम सकती, ऐसा नहीं घूम सकती, क्योंकि ये दोनों पॉइंट फिक्स है. इसलिए नीडल कैसे ली जाती है वर्टिकल प्लेन में? इस तरह. ओके, सो देयर इज ए मैग्नेटिक नीडल विच कैन रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, एंड हियर इज स्केल, सर्कुलर स्केल, और आप देख रहे हैं कहां से कहां तक है, 0 to 90. दिस इज 360 डिग्री स्केल. दिस हैज गॉट ए फ्रेम. ओके, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है. अगर आप इसको बहुत सुंदर देखना चाहते हैं तो अपने स्कूल की लैब में देखिए, वहां ताले के अंदर बंद है ये, आपको दिखेगा. ओके, हर स्कूल में होता है, दैट इज देयर. अच्छा, डिप सर्कल में क्या करते हैं? पहले हम इस डिप सर्कल को नॉर्थ साउथ में सेट कर लेते हैं. नोट करिए, द डिप सर्कल इज सेट, द बेस ऑफ डिप सर्कल इज सेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द बेस ऑफ डिप सर्कल इज सेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो दैट नीडल इज, सो दैट मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन. Now we observe that. The needle stay at a particular angle. At a particular angle from horizontal. This angle is known as angle of dip. Delta.
ये हो गया एंगल ऑफ डे. नाउ थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. वो हम क्या लेते हैं, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसका नाम क्या दिया, एच. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच. यहां पर आप देख रहे हैं ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एक एंगल बना हुआ है. अगर इसको हम यहां अलग से बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इधर या इधर कहीं भी मानिए बी. इन दोनों के बीच का एंगल, इसका अभी अभी हमने नाम रखा है, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डे. ये इनके बीच एंगल होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट इट्स कॉम्पोनेंट्स. इसके कॉम्पोनेंट्स, अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा और ये कॉम्पोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज बी कॉस डेल्टा इज नोन एज एच, बिकॉज in our laboratory we are working on the tables, we are working on the floor, we are working on the surface and all these are having horizontal direction. Iska spread kaisa hota hai, horizontal. Isliye agar hum yahan par ek instrument aise rakhte hain to us instrument pe magnetic field b kaam karega ki h kaam karega. एच काम करेगा क्योंकि हमारी मैग्नेटिक नीडल, हमारा मैग्नेटोमीटर और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं मैग्नेटिक, इसमें रखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हमारी लैब हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनती है, इसलिए कौन सा फील्ड हमेशा हमारे काम आता है, एच. तो अगर हमको कैलकुलेशन करनी है तो फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी लेनी पड़ेगी, एच, बी नहीं लेते. ये हमारे प्रैक्टिकली ज्यादा काम में आता है. सो दिस इज व्हाई वी वांट टू नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, तो इसका सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन नोट कर लिया आपने, नहीं लिखा लिख लीजिए. द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, in horizontal direction is called horizontal component H, is called horizontal component H. The relation between different components is यहां से देखिए ये कौन है, बी एच, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी वी. तो ये डेल्टा है, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा
BH horizontal component is B cos delta, दोनों को डिवाइड कर दीजिए BD upon BH. This is equal to tangent of delta. अगर हम इसमें ये रिलेशन हमारे बहुत सामने आता है BD upon BH is equal to tan delta. तो इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं. B की वैल्यू होगी रूट ऑफ BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर. ये सिंपल वेक्टर का रूल है. BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इज इक्वल टू B. इस ट्रायंगल से बनाया तो हम B के बारे में, BB के बारे में, BH के बारे में, हर एक चीज के बारे में जान सकते हैं. हमको सिर्फ कितना नॉलेज होना चाहिए, तीन क्वांटिटी. तो किसी भी लोकेशन पर अगर हमारे पास इन तीनों की इंफॉर्मेशन है तो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब जानते हैं. ठीक, तो नोट करिए. इसके बाद नेक्स्ट, अगर अर्थ में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये उसके कंपोनेंट हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसके इंफॉर्मेशन है, तो एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाता है, इसका आंसर देने के लिए हमने अपना मैग्नेटिज्म का नॉलेज चेक किया. तो पहले जब मैग्नेट और चार्ज दोनों अलग अलग होते थे तो उस समय इसके आंसर बनाए गए. यह आंसर बनाया गया कि अर्थ के अंदर बहुत सारा पिघला हुआ आयरन है, मॉल्टन मेटल, और वो मॉल्टन मेटल एक मैग्नेट की तरह काम करता है. उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जिस तरह से. और उसका प्रूफ क्या था, उसका प्रूफ ये था कि जहां कहीं ज्वालामुखी फूटते थे वहां पर बाहर जो मेटल निकलता था पड़ा रहता था, दबा रहता था, वो कई सालों बाद जब ठंडा होकर लोगों को मिलता था तो वो मैग्नेट हुआ करता था. तो ये मैग्नेट कहां से निकला, लोगों ने बोला अर्थ के अंदर से निकला. तो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसका प्रूफ ये है कि हम यहां नीडल रखते हैं और वो उसको सीधा कर देता है. सो दिस इज एवरीवन बिलीव कि अर्थ के अंदर जो मॉडर्न मेटल है दैट कॉजेज द मैग्नेटिज्म. बाद में जाकर जब हमने मैग्नेटिज्म में करेक्शन किए और ये मानने लगे कि मैग्नेटिक्स अलग से कुछ नहीं होता है, इट इज क्रिएटेड बाय रोटेटिंग चार्जेस, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म कहां से बना. अर्थ के बारे में हम सब एक चीज को पक्का जानते हैं कि वो रोटेट हो रही है, तो रोटेट होना तो बड़ा आसान है उसके लिए. अब चार्ज कहां से आएंगे, तो इसका आंसर ये था कि अंदर में जो मॉल्टन मेटल है गर्म होने के कारण उसका आयोनाइजेशन हो जाता है. आयोनाइजेशन होगा एंड इट विल क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स. वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के घूमने के कारण, वो भी घूमते हैं, तो वो पूरा लिक्विड अंदर में घूम रहा है और उसमें चार्ज पार्टिकल. सो द मॉल्टन मेटल हैज गॉट मेनी चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल्स आर स्पिन रोटेटिंग एंड दैट एक्ट एज ए करंट कैरिंग कॉइल. चार्जेस आर रोटेटिंग, दैट इज ए करंट कैरिंग कॉइल एंड इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड. और इसका एक प्रूफ था बड़ा अच्छा. प्रूफ क्या है कि अगर रोटेशन ऐसा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है. अर्थ का रोटेशन किधर से किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट. अगर हम उसको वेस्ट टू ईस्ट ऐसे उंगली को मोड़ दें तो ये किधर दिखाएगा, नॉर्थ.
इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ की तरफ, दैट इज द प्रूफ। समझ आया? तो ये भी बहुत कन्विंसिंग था, यस दिस इज अ रीजन एंड दिस मे बी करेक्ट रीजन। उसके बाद लोगों ने और जोड़ा इसके साथ कि सन से जो रेज आती है, दीज आर कॉस्मिक रेज, वेरी पावरफुल रेज, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में इनिशियली एटम से टकराती हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। इतनी जोर से वो इलेक्ट्रॉन को लगती हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एटम कन्वर्ट्स इनटू आयन विच इज ए चार्ज पार्टिकल। अब जब अर्थ ऐसे घूमती है, स्पिन होती है, तो उसके कॉन्टेक्ट में जो अर्थ है, जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी उसके साथ साथ घूमना शुरू कर देता है। वो जब उसके साथ घूमता है, हम सब जानते हैं अर्थ के साथ उसका एटमॉस्फेयर घूम रहा है, इसीलिए हमको यहाँ चलती हुई हवा नहीं दिखती। अर्थ तो घूम रही है तो साथ में हवा भी घूम रही है। तो ये जब ऐसे रोटेट हो रही है तो वो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट हो रहे हैं जो कि कॉस्मिक रेस में बनाए हैं। इतने सारे चार्जेस जब ऐसे रोटेट होंगे, then what will it create? मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्जेस ऐसे घूमेंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, एंड दैट इज द रीजन फॉर मैग्नेटिज्म इन द अर्थ। अब वो चार्जेस कौन घुमा रहा है? अर्थ घुमा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है? अलोंग द एक्सिस बनता है, तो बनता है। इसलिए हमको क्या लगता है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, एक्चुअली अर्थ में मैग्नेटिज्म नहीं। मैग्नेटिज्म किसमें है? घूमते हुए चार्जेस में जो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, और उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब घूमते चार्जेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसी में ही अर्थ भी है, तो हमको क्या लगता है कि अर्थ के कारण बना है। सो दिस इज अनदर थॉट। इस तरह से अर्थ के लिए, अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों है, टाइम टू टाइम इसकी थ्योरी में थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले गए। सो दीज आर मेन थ्री थ्योरीज जो आज तक लोगों ने समझी और एक्सेप्ट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर मैग्नेटिज्म। अच्छा, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें अगली चीज पढ़ते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म में क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। It is found that all the three informations about Earth's magnetic field, keep on changing. The North Pole is drifting away from geographic north. There are certain changes in short time, and there are some changes in very long period. Since North Pole is drifting away, it is predicted that
After a billion years, after a billion years, the magnetic north will be near geographic south. यानी कितना रोटेशन हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री। और ये हमने देखा है हर 10 साल में ये थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। उसी से अंदाज लगाया कि 1,00,000 साल के बाद ये पूरा रोटेट होके नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट पैरा, बट सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज डूइंग ए ऑसिलेटरी मोशन। इट इज डूइंग एन ऑसिलेटरी मोशन। इन दैट केस इट विल ड्रिफ्ट अप टू सम डिस्टेंस। इट विल ड्रिफ्ट अप टू सम डिस्टेंस, विल कम बैक टू नॉर्थ पोल एंड then drift towards east, and then drift towards east up to the same distance, and once again come back to north. In this way, it will oscillate. इसका मतलब इसकी जो एक्सिस यहां पर है ये नॉर्थ ऐसी, ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। इसके लिए उन्होंने कुछ रीजन एक्सप्लेन किए। किस तरह के रीजन एक्सप्लेन किए? उन्होंने बोला कि अगर एक बर्तन में आप पानी लेते हैं और बर्तन को घुमा रहे हैं, पानी भी घूम रहा है, उसकी एक सरफेस बनी हुई है, अगर आपका बर्तन ऐसा हिले और फिर खड़ा हो जाए तो उस पानी की सरफेस का क्या होगा? क्या पानी की सरफेस भी खड़ी हो जाएगी? तो आंसर है नहीं, पानी की सरफेस ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी थोड़ी देर तक। एक बार ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इधर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इसी तरह से अर्थ के मोशन के साथ कुछ ऐसी इरेगुलरिटी होती है जिसमें ज्वालामुखी फूटे या भूकंप आए या ऐसा कुछ भी हो, उसके अंदर का जो मोल्टन मेटल है वो थोड़ा सा हिल जाता है एंड सेटल होने के पहले ऑसिलेट करता रहता है। ये जब ऑसिलेट करेगा और ये घूम रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये भी ऑसिलेट करेगा। हाँ, इसका जो ऑसिलेशन का टाइम है, इतनी बड़ी चीज है, ऐसा ऑसिलेट होगा, ऐसा ऑसिलेट होगा, ऐसा होगा, 10,000 साल बीत जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है एक लाइफ टाइम में, क्योंकि अब हम 100-200 साल से रिकॉर्ड रखने शुरू कर रहे हैं, वी आर एबल टू फाइंड कि ये ऐसा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑसिलेट कर रही है। सो दीज आर दी चेंजेस, टाइम बेस्ड चेंजेस। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कुछ चेंजेस वीकली होते हैं और कुछ चेंजेस ईयरली होते हैं और कुछ चेंजेस मिलियन ऑफ ईयर में जाकर होते हैं। इस तरह से दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक फिनोमेना मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्पेस में जाने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करके यहां पर ट्रैप कर लेता है। ये सब चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? घूमते रहेंगे एंड दिस मेक्स ए ऑरा। ऑरा मीन्स चमकता।
और यहां पर हमको आकाश में चारों तरफ एक चादर दिखती है जिसमें झिलमिल झिलमिल तारे दिखते रहते हैं। ये किस लिए होता है? बिकॉज द चार्जेस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन दोज आर ट्रैप्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों तरफ दिस इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड दिस इज ऑरोरा बोरेलिस, ये दो इसके नाम होते हैं। और इसको देखने के लिए लोग नॉर्वे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं स्पेशल। सो दिस इज ए बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट।